जनपद फतेहपुर में शुक्रवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिसमें एक 14 वर्षीय बच्चे को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने वाले ज्यादातर लोग खेतों में मवेशी चरा रहे थे। वहीं जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को दैवीय आपदा राहत कोष के तहत मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अपर जिलाधिकारी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि सभी मृतक के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता अविलंब प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल 4 घटनाएं हुई हैं और इन 4 घटनाओं में 5 मृत्यु की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। जनपद के तीनों तहसील क्षेत्रों में आकाशीय विद्युत से जनहानि की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें खागा तहसील के अंतर्गत 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक घटना में एक महिला तथा दूसरी घटना में एक 9 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई है। सदर तहसील में देवलान गांव में एक दुखद घटना हुई है, जिसमें 3 लोग पहले घायल हुए थे, जिनमें से 2 पुरुषों की मृत्यु हो गई है। एक 14 वर्षीय बालक है जिसका अभी इलाज चल रहा है। और बिंदकी तहसील के अंतर्गत भी ग्राम धाना मजर रिठवा में एक घटना हुई है, जहां एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है। इन सभी घटनाओं में मौके पे मजिस्ट्रेटों को, संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM को मौके पे पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्काल शवों का पोस्टमार्टम कराते हुए और मृतकों के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता अविलंब प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।